Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. SDM Lalganj ki pitai se नायब नाजिर सुनील शर्मा की मौत का मामला तोल पकड़ चुका है। कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ ने इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है। संघ का सीधा आरोप है कि पीट पीट कर की गई इस हत्या में सीएमओ व बाकी चिकित्सक भी पूर्णतः जिम्मेदार हैं। एसडीएम ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह व तीन अन्य के खिलाफ भले ही मुकदमा दर्ज हो गया हो, लेकिन अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। संघ ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी गिरफ्तारी न होना यह दर्शाता है कि प्रदेश में गुंडाराज स्थापित है। संघ ने एसडीएम ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह यादव को तत्काल गिरफ्तार कर बर्खास्त करने व मृतक सुनील शर्मा के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी दिया। चूर चूर हो गया है साथियों कि हम सभी लोग एकजुट होकर के इस तालाबंदी को पूर्ण रूप से सफल बनाए और हमारा कोई भी साथी किसी भी रूप में अपने कार्यालय के महाधिवक्ता। मेरठ में आंदोलनरत कर्मचारियों का नेतृत्व करते हुए संघ के जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार ने यह जानकारी दी। आज का जो ये धरना हम लोगों ने एक दिन का किया है, एक घटना हमारे साथी के साथ हुई है। जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज में एक एसडीएम ने हमारे साथी को पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। 30 तारीख में उसको शाम को उसके घर पर जाकर एसडीएम ने उसको पिटाई करी, उसके साथियों ने पिटाई करी और उसके बाद 2 तारीख को वो इलाज कराते हुए जो है शहीद हो गए। उनकी पिटाई से ही उनकी हत्या हुई है और एसडीएम लालगंज उनके हत्यारे हैं, जिसके संबंध में एसडीएम लालगंज के खिलाफ 302, 308 और अन्य धाराओं में मुकदमा कायम हो चुका है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और ना ही उनको बर्खास्त किया गया। एक दिन का धरना ये पूरे प्रदेश में कलेक्ट्रेट कर्मचारियों को तालाबंदी का है और हमारी मांग है कि एसडीएम हत्यारे को बर्खास्त किया जाए, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 1 करोड़ रुपये दिए जाएं और तत्काल प्रभाव से उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बनी रहेगी हमारी नज़र। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।